छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अपने पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दोनों पिता और पुत्र के बीच पैसों को लेकर झड़प हो गई थी, जिससे गुस्साए बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को छुपाने के लिए उसके शरीर में बिजली की सर्वियस वायर के साथ पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया था। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। सोनकर परिवार है, उसमें पति पत्नी और उसका लड़का है 22 वर्ष का। तो लड़के जो उनका मुखिया था वो खेत पर रहता था। तो खेत पर रहने के दौरान दो दिन से इसका लड़का नाटक कर रहा था कि वो नहीं आ रहा है और खाना वहीं लेके जा रहा था उसके। जब उसकी 3 दिन बाद उसकी लाश मिली तो पता लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा था। इसी पर पढ़ाई से जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि बाप मुझे पैसा नहीं देता था और बाप कंजूस होने के कारण अपने बाप को वहाँ टंगिया से मारा।